हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इकबाल, आपका चहेता दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने बताऊंगा आपको चिकन मुट्ठी कबाब। चिकन मुट्ठी कबाब बनाने के लिए मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी रखा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कैसे बनाएंगे चिकन मुट्ठी कबाब। अब हम इस चिकन मिंस में मसाला मिलाएंगे। मिंस ले लीजिए, एक चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक प्याज जो फाइन और बारीक चॉप कटा हुआ, ये आएगा इसके अंदर। अब आएगा इसके अंदर तीन ग्रीन चिल्ली फाइन चॉप। अब आएगा ये धनिया का पत्ता हरा, एक पंच है, पूरा फाइन चॉप किया हुआ है। अब इसमें आएगा मिंट लीफ, ये भी एक पंच है और इसको फाइन चॉप किया हुआ है मैंने। अब आएगा ये फ्रेश जिंजर, जो मैंने एक टुकड़ा फाइन चॉप करके रखा हूँ। हमने एक स्पून डालना है इसके अंदर। और आएगा दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हमने फ्रेश पीस के रखा है। अब आएगा एक चम्मच जीरा पाउडर, अब ये आएगा इलायची पाउडर, मैंने एक चम्मच जो पीस के रखा है। अब ये आएगा किचन किंग मसाला, इस पे ये भी एक चम्मच है, हमने इसको रखा है इसमें। अब आएगा इसके अंदर कस्तूरी मेथी, दो चम्मच है। अब मैं इसमें मिलाऊंगा एक लेमन का वेजेस, उसका जूस पूरा। आ गया। अब हम डालेंगे इसमें अमूल चीज। एक बड़ा टुकड़ा उसके अंदर ग्रेट करके हमने इसको मिक्स करना है। अमूल चीज हम इसमें ग्रेट करना है, अच्छा तरह से डालना है। ये आ गया अमूल चीज। अब हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इन सारी मसाले को, सारे इंग्रेडिएंट्स को इसके साथ धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद हमको इसे पैन में ग्रिल करना है। इसको धीरे धीरे ऐसा मिक्स करना है। मिक्सचर तैयार है, अब हम उसको ग्रिल करना है। हमने गैस की ऑन, पैन लगाओ, पैन हो जाएगा गरम। अब इसमें डालेंगे हम एक बटर, अब मैं बनाता हूं मुट्ठी कबाब। इस तरह हमें ये लेना है, थोड़ा सा पानी का हाथ लगाना है, हल्का सा,
अब ये बन जाएगा, इसको पलटी करनी है, फिर इसका शेप दोनों हाथ से अगर आप करना चाहें तो दोनों हाथ से कर सकते हैं। ये हो गया डन। अब ये आ गया पैन पे। इसी तरह ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, सेम साइज का रखता हूँ मैं। दूसरा ये आ गया, अभी तीसरा ये आ गया, थर्ड। इसी तरह हमने बनाना है 6 पीस। आ गया, अब ये हो गया एक और। हमें इसे बटर से पकाना है, कोई ऑयल डालने का ज़रूरत नहीं है। हम इसको स्लो फ्लेम में पकाना है अच्छी तरह से। इसके अंदर जो चिकन का जो पानी होता है ना, ये पानी धीरे धीरे निकलेगा और ये कबाब पक जाएगा। जब ये गोल्डन कलर आएगा तब हमें पता चलेगा कि ये पक चुका है। इसको धीरे धीरे इसको घुमाते रहेंगे ताकि इसका पूरा साइड अच्छी तरह से गोल्डन कुक हो जाएगा। जब ऐसे कलर आ जाएगा हमें पता चलेगा कि ये ऑलरेडी पक गया है। स्लो फ्लेम में पकाना है, इसको ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। अब ये वेल डन कुक हो चुका है। अब हम इसको एक अच्छा सा प्लेट में प्लेटिंग करेंगे। हमारा ये रेसिपी आपने देखा और आप इसी रेसिपी को फॉलोअप कीजिएगा। अब हमारा मुट्ठी कबाब पक गया, रेडी हो चुका है। जो खुशबू, जो फ्लेवर, जो टेस्ट, अब वो मैं आपको बताने के लिए मुझे खुद को भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अब इसको प्लेटिंग करूंगा, उसके बाद में मैं खा के बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकॉन को भी ध्यान से दबाएं। आपको हर हफ्ते एक एक नया नया वीडियो कंपल्सरी मिलेगा। अब हम इसको एकदम खूबसूरत प्लेटिंग करना है, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पापड़ का रिंग बनाना है, रोस्ट करके हमने यहाँ लगाना है। एक पापड़ का रिंग रेडी। अब ये है सिरके वाला बीटरूट का ऑनियन। अब हम लगाएंगे इसके अंदर एक एक कबाब। एक हो गया, इसी तरह दूसरा भी मैं बनाऊं। अंदर डालना है सिरके वाला ऑनियन, ये आ गया। अब आएगा ये कबाब, यहाँ से अब आएगा फिर से पापड़, फिर आएगा इसका। अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं, एक और ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, एक और यहाँ, और एक और लगेगा यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ इसके ऊपर का टॉप गार्निश हमने
पापड़ का छोटा सा ये बना रखा है, और हमने बना रखा है बीटरूट का चटनी जैसे जेल। आपको ये ऐसे करना है और हमें लगाना है यहाँ पे मिंट लीव्स, ये है मिंट लीव्स, और हम इसके ऊपर यहाँ इसको चिपका देंगे। हो गया ना तैयार। अब हमने लगाना है इसके ऊपर एक जुलियन कटा हुआ अदरक। इसी तरह हमें पूरी प्लेट को कंप्लीट करना है।